दोस्तों आप सबको पता होगा पशु परिचर भर्ती के अंदर जो सिलेबस है वो है दोस्तों भाग ए और भाग ब, जिसमें जो भाग ब है दोस्तों पशुपालन उसका जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से है, वो विभाग ने पहले ही जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों जो भाग ए है पार्ट ए है जिसके अंदर आपकी राजस्थान जीके मैथ साइंस और करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, इसका विस्तृत सिलेबस है वो अभी तक है वो जारी नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों विस्तृत सिलेबस को लेकर क्या अपडेट आया है आपके सामने, थोड़ी सी अच्छी खबर निकल के आई है विस्तृत सिलेबस को लेकर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। आके कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके बारे में क्या बोला है, पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने विस्तृत सिलेबस को लेकर क्या बोला है, और सबसे बड़ी बात है आपका विस्तृत सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो किस दिन जारी हो रहा है और आपको कैसे देखना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आपके अंदर भी डाउट है, और दोस्तों ज्यादातर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर ये डाउट है कि हम कैसे भाग ए की तैयारी करें, हमको तो पता ही नहीं है कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान जीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका जो डाउट है ना, ये डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक है वो जरूर देखना, और चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाग ए का जो विस्तृत सिलेबस है उसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो क्या बोला है और इसके बारे में क्या न्यूज चल रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पत्रकारों ने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक जी, उन्होंने पूछा कि आपने विस्तृत सिलेबस है भाग ए का जिस प्रकार भाग ब का जारी किया गया है उस प्रकार से भाग ए का जारी क्यों नहीं किया गया, इससे ज्यादातर बच्चे हैं वो परेशान हैं, तो आपने विस्तृत रूप से सिलेबस है वो कब जारी कर रहे हो या फिर आपने अभी तक है वो जारी क्यों नहीं किया है। तो आलोक जी ने दोस्तों आपको सबको दिख रहा होगा, इन्होंने ये बोला कि जो विस्तृत सिलेबस है वो हम जारी नहीं करते, ये जारी करता है जो संबंधित विभाग, जिस भी भर्ती आई है विभाग की वो विभाग है, ये विस्तृत रूप से सिलेबस है वो विभाग का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि विभाग जो भी विज्ञप्ति भेजता है, जो भी सिलेबस तय करके भेजता है उसका हम नोटिफिकेशन काटते हैं, हमारा काम है एग्जाम लेना और एग्जाम कंडक्ट करवाना अच्छे ढंग से, ये हमारा काम है। सिलेबस जारी करना संबंधित विभाग का काम है, तो हमें वो संबंधित विभाग को है, अभी तक है वो दो बार चिट्ठी लिख चुके हैं, उन्होंने बोला है कि जो पशुपालन विभाग है इसको मैंने दो बार चिट्ठी लिख दी है, लेकिन पशुपालन विभाग है ये सिलेबस है वो जारी नहीं कर रहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये किसने बोला है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने बोला है। जब दोस्तों पत्रकार पहुंच गए कहां पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है मैन अधिकारी उसके पास पहुंच गए कि आपने विस्तृत रूप से सिलेबस है वो जारी क्यों नहीं किया, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने तो ये बोला है कि हम तो दो बार चिट्ठी लिख चुके लेकिन अभी तक है उन्होंने ही सिलेबस है वो जारी नहीं किया। तो दोस्तों पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने ये बोला कि अभी तक हमको इसके बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं भेजा है, न किसी भी प्रकार की कोई हमको सूचना दी है, और जब तक हमको सूचना नहीं मिलेगी तो हम फिर कैसे भेजें विभाग को विस्तृत सिलेबस। उन्होंने ये बोला है कि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड हमको पहले ही बोल देता कि आप इसका विस्तृत सिलेबस जारी करो भाग ए का, तो हम तो अब तक है वो विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर देते। ये बात किसने बोली है, पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बोला है कि हम अब तक तो क्या कर देते, विस्तृत रूप से सिलेबस जारी कर देते, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी हमको नोटिस ही नहीं भेजा है तो फिर हम कैसे भेजे। और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी भी 3 महीने हैं, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड एक्शन लेता है और हमारे पास इसकी सूचना भेजता है कि आपको विस्तृत रूप से सिलेबस जारी करना पड़ेगा, तो अभी 3 महीने हैं, हम 2 से 4 दिन के अंदर है वो सिलेबस जारी है विस्तृत रूप से कर देंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड को बता देंगे। ये पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बोला है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, न हमको कोई चिट्ठी भेजी है, यदि चिट्ठी भेजते तो हम क्या कर देते, सिलेबस है वो बता देते, विस्तृत रूप से सिलेबस है वो बता देते कि क्या क्या पूछना है भाग ए के अंदर। और उन्होंने ये भी बोला यदि अब भी चाहे विभाग, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड अब भी चाहे तो अब भी हमसे सूचना मांग सकता है, अब भी हमको नोटिस भेज सकता है, हम अभी भी तैयार हैं विस्तृत रूप से सिलेबस बताने के लिए, विस्तृत रूप से सिलेबस है वो जारी करने के लिए। दोस्तों मैंने ये तो आपको बता दिया कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने क्या बोला विस्तृत सिलेबस को लेकर, पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने क्या बोला है विस्तृत सिलेबस को लेकर, लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा है कि अभी 3 महीने हमारे पास है तो भाग ए का क्या विस्तृत सिलेबस जारी हो सकता है, होगा तो फिर कब जारी होगा या फिर नहीं होगा, हमको जो सिलेबस दे रखा है इसी हिसाब से तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पशुपालन विभाग के जो अधिकारी ने बोला है
कि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड हमसे मांगेगा ना तो हम अभी भी विस्तार सिलेबस जारी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो वापस बोल देता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर दोस्तों वर्तमान में लोड पड़ रहा है। यदि लोड के कारण है वो पशुपालन विभाग के पास नोटिस भेज देता है और ये पूछ लेता है कि विस्तृत रूप से सिलेबस जारी करो, तो सितंबर के महीने में आपका विस्तृत रूप से सिलेबस है वो जारी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सितंबर के महीने में आपका जो विस्तृत सिलेबस है भाग ए का वो जारी हो सकता है। और यदि कर्मचारी चयन बोर्ड है इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है संबंधित विभाग को, न तो वो चिट्ठी भेजता है, न कोई नोटिस भेजता है, न विस्तृत रूप से जारी करने के बारे में कोई एक्शन लेता है, तो फिर आपका जो विस्तृत जो सिलेबस है भाग ए का वो आपका जारी नहीं होगा। यदि एक्शन लेता है तो अभी आपके पास 3 महीने है, यदि वो चाहे तो विस्तृत रूप से सिलेबस है भाग ए का वो जारी कर सकता है, लेकिन यदि एक्शन नहीं लेता है तो फिर आपको जो सिलेबस दे रखा है उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और वो अपने हिसाब से वो पेपर है वो बनाने वाले हैं। तो आगे दोस्तों क्यों होता है वो तो बाद की बात है कि विस्तृत रूप से सिलेबस जारी होता है या नहीं होता है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या विभाग की ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्या है बच्चों के ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा तैयारी करने वालों के ऊपर, यहाँ मुझे कमेंट करके बताना। और आपके लिए क्या सही है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद था वो मकसद यही है कि विस्तार सिलेबस को लेकर वर्तमान में जो अपडेट चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है वो क्या है, तो वो मैंने आपको एक एक चीजें खोल के बता दी है। अब भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।